बताइए आज का क्या प्रोग्राम था। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज ही हम यहाँ परशुराम मंदिर में माथा टेकने पहुँचे, नवरात्रों का प्रथम दिन। और यहाँ पे बहुत ही खुशी की बात हमें जो सुनने को मिली है कि इस मंदिर के महिला प्रधान श्रीमती हेमा गरोला जी और उनकी सारी मंडली की तरफ से चेयर लिफ्ट का प्रबंध किया गया है, ताकि जो भी हैंडीकैप या कोई ऐसे डिसेबल पर्सन है या किसी को चोट लगी या कुछ भी, किसी को कोई प्रॉब्लम है जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वो ऊपर मंदिर के दर्शन देने, मंदिर को दर्शन करने के लिए वो इस चेयर पर बैठकर ऊपर तक जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्रयास है जो यहाँ की महिलाओं ने सभी श्रद्धालुओं के लिए ऐसा प्रयास किया है। तो जो जो भी कोई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके किसी कारणवश वो ऊपर नहीं जा सकते सीढ़ियाँ चढ़ के, वो इस चेयर का बहुत ही अच्छा उनके लिए ये प्रयास रहेगा। और इसी के साथ मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद लखमन जी। ये आज पहले नवरात्र के ऊपर बहुत देर से चली आ रही डिमांड हमारी महिला मंडल की कि ये बहुत सीढ़ियाँ हैं, 24-25 सीढ़ियाँ हैं। कुछ लोग हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, कुछ हमारे भी मेंबर सीनियर सिटीजन हैं और 84 के हो गए हैं, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा प्रबंध किया जाए। तो उसके लिए हमने काफ़ी तलाश की, पैसे का भी देन करना था, फंड का भी करना था और लोगों से भी कॉन्टैक्ट करना था कितने लोग हमारे श्रद्धालु आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब हमने कीर्तन मंडी के साथ बातचीत की, अपने मेंबरों के साथ बातचीत की, फिर इतफाक से यहाँ 37 सेक्टर में एक शोरूम में 3 लिफ्टें लग रही थी, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर में, हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो सभी ने, हमारी मैनेजमेंट ने महसूस किया कि भाई चलो ये पैसे हम फंड अरेंज करते हैं। इतने में जब हमने महिला मंडल को बताया तो उन्होंने कहा भी इस फंड का अरेंजमेंट हम करेंगे, हम इमीडिएटली आपको 1 लाख रुपये का राशि जो आपको देते हैं आपके अकाउंट में डालते हैं, बाकी आपके सहयोग से, मंदिर के सहयोग से, मेंबरों के सहयोग से, दानी सज्जनों के सहयोग से ये फंड जो है वो अरेंज करके हम इस लिफ्ट का जो है वो इंस्टॉल कराते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज पहले नवरात्र में ट्राई सिटी में जितने भी मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, जितने भी धार्मिक प्लेस हैं, ये पहला प्लेस है जो रिमोट एरिया में होते हुए भी, क्योंकि यहाँ हमारे वस्तुओं नहीं है, बहुत कम है, ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर हमने पहली लिफ्ट लगाकर जो हमारे सीनियर सिटीजन है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे मेंबर नहीं चढ़ सकते या और लोग हैं जो मंदिर के दर्शन करने में समर्थ है, उनके लिए हमने ये उपबंध किया है। और मैं सभी का इसमें धन्यवादी हूँ जिन्होंने सहयोग दिया है। जय माता दी।
मेम्बरान और मेरी कीर्तन मंडली माता शक्ति, इसके बिना इंसान अधूरा रहता है। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद हूँ कि आज नवरात्रि के पहले दिन और पहले नवरात्रि में एक गरीब ब्राह्मण जो गांव में रहता है, ये हमारा गांव ही है, इस गांव में हमारी माता शक्ति ने एक भाव उड़ाया कि हमारे बोलो सरकार बोल साथे चलो जी करो श्री गणेश ए फिर बिना मुके भंडार मैया जी तेरे रंग भर में।